हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू B2 स्टडीज़। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मेरा नाम सावन शर्मा है और हम रीजनिंग में बूस्टर 9 आज करने वाले हैं। बूस्टर की सीरीज़ में हमने 8 क्लासेस की है, आज नेक्स्ट क्लास हम करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है देखो हमारे पास, कि दिए गए प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है, इसमें एक पद रिक्त है। यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो ये एक सीरीज है, इसको हमको पूरा करना है। एक हमको क्या दिया है, 4, 8, 11, 22, 25। अब ये एक सीरीज है, इस सीरीज में नंबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, एकदम से नहीं है कि ऐसा 4 से हो गया, कोई 80 हो गया या 4 और कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, थोड़ा थोड़ा सा इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। तो देखो हम देखते हैं कुछ क्या लिखा है हमारे पास यहाँ पे, 4, 8, 11, 22 और 25, और आगे हमको एक नंबर खुद लिखना है। देखो क्या हुआ है इसमें, यहाँ पे डबल कर दिया, डबल कर दिया, और यहाँ पे 3 ऐड कर दिया। अब ये कुछ गुणा तो हुआ नहीं है, कुछ ऐड ही किया है इसमें, और फिर से हमको दिख रहा है कि 11 दूने 22 होता है, तो फिर से इसको डबल कर दिया और फिर 3 ऐड कर दिया। अब सभी को दिख गया होगा कि आगे क्या होगा। ठीक है, क्या हो रहा है आगे देखो, 2 से गुणा किया, फिर 3 ऐड कर दिया, फिर 2 से गुणा किया, फिर 3 ऐड कर दिया। इसका मतलब अब वापस गुणा होगा 2 से, और 25 को 2 से गुणा करोगे क्या आएगा, 50। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, 50। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड स्लाइड, सेकंड क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है ये, नीचे लिखे गए अक्षरों का कौन सा समूह समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। देखो फिर से एक सीरीज है, लेकिन इस बार सीरीज है लेटर्स की। पहले हमारे पास सीरीज थी नंबर्स की, इस बार सीरीज है हमारे पास लेटर्स की। देखो एक सीरीज है इस तरीके से, ACE ACE ZX V GI K TRP, इस तरह से एक सीरीज दी हुई है। क्या लिखा है देखो, ACE ZX ZX V GI K TRP। ठीक है, इस तरह से एक सीरीज दी हुई है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो 3 लेटर्स स्टार्टिंग में दिए हैं, ये दिए हैं ABC में लेफ्ट साइड से बढ़ते हुए, और फिर 3 लेटर्स दिए हैं हमको राइट हैंड साइड से बढ़ते हुए, ZY X इस तरह से बढ़ते हैं तब। ठीक है, तो फिर से देखो 3 लेटर्स है इस तरीके से आगे से, और फिर से 3 लेटर्स है राइट साइड से, TRP। ठीक है, अब देखो इनमें कुछ एक क्रम बन रहा होगा, उस क्रम को हमको पहचानना है। क्या हो रहा है, 2 ऐड किया और फिर 2 ऐड किया, +2 किया है। देखो ए आता है 1 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, और ई आता है 5 नंबर पे। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे जेड आता है 26 नंबर पे, एक्स आता है 24 नंबर पे, और वी आता है 22 नंबर पे। तो यहाँ यहाँ क्या किया है, +2 +2, और यहाँ क्या किया है, -2 -2। ठीक है, इसके बाद फिर से देखो, जी आता है 7 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, और के आता है 11 नंबर पे। ये अल्फ़ाबेट्स आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे फिर से क्या किया है, +2 +2, और उसके बाद TRP, टी होता है 20, आर होता है 18 और P होता है 16। तो फिर से यहाँ क्या किया है, -2 -2। अब आप देखो, अब नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, देखो A 1 3 5, फिर अल्टरनेट सीरीज है यहाँ पे, एक ये खत्म हो गया, अब ZX V, फिर ये खत्म हो गया, फिर आ गया GI K, फिर ये खत्म हो गया। अब फिर से यहाँ आएगा देखो 1 3 5 7 9 11, तो अब कौन आएगा, 13 नंबर, और 13 नंबर कौन है, M। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, M। ठीक है, समझ पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन हम करते हैं आगे, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्मों को चुनिए। देखो कैसा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, जो रिलेशन 144 का और 13 का है, ठीक है, वही रिलेशन 49 49 का किस नंबर से है, ये नंबर हमको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो 144 और 13 क्वेश्चन देखते ही थोड़ा सा क्लिक करना चाहिए कि 144 होता है 12 का स्क्वायर, 144 होता है 12 का स्क्वायर, और 12 में +1 कर दिया, 12 में +1 कर दिया। अब इसी तरह से यहाँ करके देखो क्या ऑप्शन मिलता है हमको, 7 किसका स्क्वायर होता है,
49 सात का स्क्वायर होता है, और सात में एक ऐड कर दो तो क्या बनेगा 8, और 8 हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या किया 144 का वर्गमूल करोगे 12 और 1 जोड़ दो, 49 का वर्गमूल करो 7 और 1 जोड़ दो तो क्या आएगा 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं हम इसी सीरीज में आगे। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक ए बी सी अपॉन एफ, ए बी सी अपॉन एफ, बी सी डी अपॉन आई, सी डी ई अपॉन एल, इस तरह से दिया है हमको। ठीक है, देखो लेटर्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके लिए आपको लेटर्स का क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। देखो एक 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 का क्रम क्या होता है, एक बी आता है 2 पे और सी आता है 3 पे और एफ आता है 6 पे, बी आता है 2 पे 3, 4 और आई होता है 9, सी आता है 3, डी होता है 4, ई होता है 5 और एल होता है 12 नंबर। ठीक है, कुछ लेटर्स हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो अब इनमें कुछ रिलेशन देखो कि क्या रिलेशन है, ताकि ऐसा ही रिलेशन आगे वाले नंबर में भी आ जाए, कुछ लेटर्स लिखेंगे उसमें भी आ जाए। देखो क्या रिलेशन है, कुछ दिखा, देखो 1, 2 और 3 इनको ऐड करो 6 होता है, 2, 3 और 4 इनको ऐड करो 9 होता है, 3, 4 और 5 इनको ऐड करो 12 होता है। इसका मतलब हो क्या रहा है कि ऊपर वाले नंबर्स का ऐड करो 6 होगा, और 6 नंबर पे कौन आता है F, 2, 3 और 4 को जोड़ोगे 9 और 9 नंबर पे कौन आता है I। इसी तरह का ऑप्शन कोई हमको देखना है इनमें से अब। ठीक है, देखो इसी तरह का ऑप्शन हम देखते हैं, कोई D कितना नंबर है 4, E कितना नंबर है 5 और F कितना नंबर है 6 और O कितना नंबर होता है 15। क्या ये ऊपर वाली संख्याओं का योग 15 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन आंसर हो गया डी ई एफ अपॉन ओ। देखो एक ऑप्शन और देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, डी 4 है, ई 5 है, एफ 6 है, अब बटा में एन कितना है 14 है। अब 4 और 5, 9, 9 और 6, 15 जबकि बटा में क्या लिखा है 14, इसका मतलब ये सही नहीं है। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल दिए गए लेटर्स हैं उन्हीं के जैसा है, उन्हीं के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कुछ आगे और प्रश्न हम करते हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, देखो एक रिलेशन दिया है ईंट का और दीवार का, वो रिलेशन हमको बताना है सेल का किससे है, सेल मतलब कोशिका, कोशिका का रिलेशन किससे है, जो रिलेशन ईंट का दीवार से है। इसका ईंट और दीवार में क्या रिलेशन है आप खुद देखो, ईंट का दीवार से रिलेशन क्या है, ईंट से मिलकर दीवार बनती है, ईंट पे ईंट जोड़ते जाएंगे हम तो एक दीवार बन जाएगी। इसी तरह से सेल को जोड़ने से क्या बनता है, ईंट से ईंट जोड़ेंगे तो दीवार बनेगी, अब सेल से सेल जब हम जोड़ते जाएंगे तब क्या बनता है ऊतक, क्या बनता है ऊतक, टिश्यू। अब इसमें थोड़ी सी रीजनिंग है, थोड़ी सी आपकी नॉलेज है, साइंस अगर अच्छे से पढ़ी हुई है तो इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। ये 4 हमारे पास ऑप्शन है और 4 में पेयर्स दिए हैं 2-2 नंबर्स के, हमको बताना है कौन सा पेयर अलग है, 3 पेयर्स किसी तरह से एक जैसे हैं, एक चौथा पेयर अलग है। देखो किस तरह से है, 12 का स्क्वायर 144, अच्छा और कहीं नहीं है, चलो और कुछ देखते हैं, 12 × 12 144 होता है, 13 × 12 156 होता है, 15 × 12 180 होता है, 16 × 11 176 होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन आंसर हो गया, सभी को आ गया होगा, ये तो बहुत आसान है। देखो हर तीनों जगह किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 से, 12 को मल्टीप्लाई किया 12 से, 15 को मल्टीप्लाई किया 15 से, 13 को मल्टीप्लाई किया 12 से, और लेकिन यहाँ पे 16 को मल्टीप्लाई किया 11 से, 16 × 11 करोगे तो 176 मिलेगा, ना कि 12 से मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो आंसर हो गया डी ऑप्शन 16 176, बाकी तीनों एक जैसे हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 11 से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखो दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म को चुनिए। फिर से वैसा है कि 3 किसी तरह एक जैसे हैं, हमको बताना है एक अलग कौन सा है। देखो अगर आपको लेटर्स के नंबर याद है तो आप इजी वे में कर सकते हो। देखो कुछ लेटर्स मैं आपको बताता हूँ, जी है, जी
जी आप जब बनाओगे तो आपको यहाँ सात जैसा दिखेगा कुछ, है ना, तो जी का नंबर होता है सात। इसी तरह से एच है, एच एच के ऊपर अगर हम थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे यहाँ पे तो हमको दिखता है ये आठ जैसा। आई को तो कुछ लोग बनाते ही नो जैसा है, इस तरह से आई बनाते हैं कुछ लोग, आई नो, और हम बोलते भी हैं आई नो, जानते हो, हाँ यस आई नो, आई नो, आई को बनाते ही नो जैसा है। एम है, डब्ल्यू है, इन दोनों को अगर थोड़ा सा रोटेट करोगे तो ये दिखेगा हमको तीन के जैसा। एम को और डब्ल्यू को थोड़ा सा रोटेट करोगे तो तीन जैसा दिखता है, लेकिन तीन पे हमको ऑलरेडी पता है कि तीन पे तो सी आता है, है ना, इसलिए ये तीन पे नहीं आके कहाँ आएंगे, तेरह पे और तेबीस पे, तेरह पे और तेबीस पे। इसी तरह से हमारे पास एन है, एन एन यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ा हुआ है मैंने, जानबूझ के छोड़ा है ताकि आपको ये दिखे चार जैसा, ये एन दिख रहा है चार जैसा, रोमन संख्या में हम लिखते हैं चार, वैसा चार दिख रहा है, ठीक है। तो लेकिन चार पे ऑलरेडी डी आता है, ए बी सी डी, ये तो सभी को पता है ना, तो ये चार पे नहीं आके कहाँ आएगा, चौदह पे। तो ये कुछ लेटर्स होते हैं जिनके नंबर हमको याद होने चाहिए, और हैं इनके अलावा, उनको हम पढ़ेंगे एक दिन पूरा टॉपिक तब देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन करते हैं अभी हम, क्यू आता है सत्रह नंबर पे, यहाँ लिखता हूँ मैं अलग से, क्यू क्यू एस टी यू यू, देखो क्यू आता है सत्रह नंबर पे, दोनों ही सत्रह नंबर पे आते हैं, एस उन्नीस नंबर है, टी बीस नंबर है, और यू का आता है इक्कीस नंबर पे। इसी तरह से एम और एम, दोनों एम आते हैं तेरह नंबर पे, दोनों क्यू आएंगे हमारे सत्रह नंबर पे, ओ और पी आते हैं पंद्रह पे और सोलह पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो दोनों ए, ए ए एक नंबर पे आते हैं, एफ एफ छः नंबर पे आते हैं, सी और डी आते हैं कितने पे, तीन पे और चार पे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे है जी और जी, दोनों जी आते हैं कितने नंबर पे, सात नंबर पे, अभी बताया मैंने। के और के, दोनों के आएंगे कितने नंबर पे, ग्यारह नंबर पे। और आई और जे, आई आता है नौ नंबर पे, जे आता है दस नंबर पे, ठीक है। अब ये नंबर अगर याद है आपको तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको इजी वे में दिखे, ठीक है। अब देखो क्या आंसर होना चाहिए, सत्रह और चार इक्कीस होता है, सात और चार ग्यारह होता है, तेरह और चार सत्रह होता है, लेकिन एक में पाँच ऐड किया है तब छः आया है। देखो जो रिपीट हो रहे हैं ना लेटर्स उनको देखो, यहाँ पे चार ऐड किया है, यहाँ पे भी चार ऐड किया है, यहाँ पे भी चार ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे ऐड किया है पाँच, इसलिए अलग कौन सा हो गया, डी ऑप्शन, ये अलग हो गया ऑप्शन, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन समझ में, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्मों को चुनिए। देखो चार शब्द है, भूकंप, चक्रवात, अकाल और बाढ़, इनमें से हमको एक अलग शब्द चुनना है, अलग कौन सा है। देखो भूकंप, चक्रवात और बाढ़, ये तीनों हैं भौगोलिक घटनाएं, इसमें मानव का लेना देना नहीं है कुछ। बाढ़, चक्रवात और भूकंप, ये तीनों भौगोलिक घटनाएं हैं, लेकिन अकाल है ये है मानवीय घटना, या भौगोलिक कारणों से भी होती है और मानवीय कारणों से भी होती है, ठीक है। तो अकाल हमारे पास अलग ऑप्शन आ गया एक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। देखो ये प्रश्न कैसे आता है, पांच या छह हमको शब्द देता है, फिर इनका एक क्रम हमको बताना है कि किस क्रम में इनको जमाएं हम। अब वो क्रम बढ़ता हुआ भी हो सकता है और घटता हुआ भी हो सकता है, ठीक है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा किस ऑप्शन को लगाना आंसर। देखो अध्ययन, पुस्तकें, परीक्षा, छात्र और परिणाम, ये पाँच शब्द है, इनको आसानी से आप अरेंज कर सकते हैं। देखो सबसे पहले कोई छात्र होगा, ठीक है, फिर वो पुस्तकों को पढ़ेगा, पुस्तकें होगी, फिर वो उन पुस्तकों को पढ़ेगा, फिर वो परीक्षा देगा और फिर उसका परिणाम आएगा, ठीक है। सब जब छात्र नहीं होगा तो कौन पढ़ेगा, सबसे पहले छात्र होगा, फिर वो पुस्तकें होगी तो पुस्तकों को पढ़ेगा, फिर परीक्षा देगा और फिर परिणाम आएगा। तो क्या अरेंज हुआ, चार दो एक तीन और पाँच, अब इसको ढूंढ लो कहाँ पे, चार दो एक तीन पाँच, बी ऑप्शन हो गया हमारा, ठीक है, आसान है। अब ये ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन इस तरह से भी हो सकता था, पाँच तीन एक दो चार, इस तरह से भी हमारे पास ऑप्शन हो सकता था, ठीक है, ये हो जाता हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में, अभी हमने अरेंज किया इनको असेंडिंग ऑर्डर में, दोनों ऑप्शन कभी नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और ए बी से लंबा है, सी डी से लंबा है, ठीक है। देखो ए लंबा है बी से, तो जो लंबा है उसको मैंने ऊपर लिख दिया, सी डी से लंबा है,
अब सी और डी अलग है तो यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ मैं, सी डी से लंबा है परंतु ई से छोटा है, परंतु ई से छोटा है कौन, सी। अगर यहाँ होता जो, अगर यहाँ होता जो तो ये होता डी के लिए, लेकिन जो नहीं है हमारे पास अभी, ठीक है, इसलिए ये किसके लिए है, सिर्फ सी के लिए। सी डी से लंबा है परंतु ई से, इसका मतलब ई बड़ा है तो ई ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, तथा डी ए से लंबा है, ये जो डी है ये ए से लंबा है तो ए के ऊपर आ जाएगा और इस तरह से ये अरेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ प्रश्न में क्या पूछा है, सबसे लंबा कौन है। अब कोई भी आंसर बता सकता है सबसे लंबा कौन है, ई। सबसे पहले बोला था ए बी से लंबा है तो ए को ऊपर रख दिया ए से, फिर बोला था सी डी से लंबा है, सी को डी के ऊपर रख दिया, परंतु ई से छोटा है, सी ई से छोटा है, इसका मतलब ई बड़ा है, ठीक है, ई बड़ा है। और साथ में फिर बोला है कि डी ए से लंबा है, यानी डी ए के ऊपर रहेगा तो ए को ला के यहाँ रख दो नीचे, ठीक है। अब सबसे लंबा कौन है, ई। आगे प्रश्न समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक इसको देखते हैं, देखो एक बार अच्छे से। देखो ये हमारे पास तीन तरह से कुछ गणितीय संक्रियाएं करके और इस तरह से दिया है। अब हमको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इन दो में एक पैटर्न समझना है और उसी पैटर्न को यहाँ फॉलो करना है, ठीक है। देखो एक पैटर्न समझते हैं, ये बीच में छोटी संख्या है और चारों किनारों पे बड़ी संख्या है, इसका मतलब या तो कुछ ऐड किया है या कुछ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। देखते हैं हम, अब अगर टेबल्स याद की हुई है तो बिल्कुल ईजी वे में दिख जाएगा ये। 18 को 2 से गुणा करोगे 36, 3 से गुणा करोगे 54, 4 से गुणा करोगे 72 और 5 से गुणा करोगे 90। एक पैटर्न समझ में आया। अब इसी पैटर्न को यहाँ अप्लाई करो, होता है क्या, 24 को 2 से गुणा करो 48, 3 से गुणा करो 72, 4 से गुणा करोगे 96 और 5 से गुणा करोगे 120। इसका मतलब हमने एक पैटर्न पहचाना, वो पैटर्न इन दोनों में फॉलो किया है, इसका मतलब वो तीसरे में भी फॉलो करेगा। ऐसा पैटर्न नहीं पहचानना है कि एक में तो फॉलो कर रहा है दूसरे में नहीं कर रहा है, ठीक है, तब ये तीसरे में फॉलो नहीं करेगा। अगर दोनों में फॉलो कर रहा है तब तीसरे में भी फॉलो कर दो और आंसर ले लो। अब बताओ यहाँ कौन सी ऐसी संख्या आएगी जिसका ये दो गुना हो, बताओ। 62 किसका दो गुना है, 31 का। 31 को 2 से गुणा करोगे 62, 3 से गुणा करोगे 93, 4 से करोगे 124 और 5 से करोगे 155। इसका मतलब हमारा सही ऑप्शन है 31, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है। एक विशिष्ट कोड में बायोलॉजी को, देखो फिर से, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या कहता है। देखो क्या लिखा है हमारे पास, बायोलॉजी, बी आई ओ एल ओ जी वाई, बायोलॉजी लिखा है। इस बायोलॉजी को एक विशिष्ट कोड में, यहां लिखा है वाई आर एल ओ एल टी बी, इस तरह से एक कोई विशिष्ट कोड लगाया है और इस तरह से बायोलॉजी को ऐसा कुछ लिखा है और हमको फिर बताना है कि फिजिक्स को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो पहले इस कोड को पहचानना है, फिर उस कोड को वहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। देखो पहचानते हैं हम क्या है। अब आपको अगर नंबर्स याद हैं तो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन इस प्रश्न में नंबर्स का खेल भी नहीं है। इस प्रश्न में क्या है, ऑपोजिट लेटर्स, यहाँ देख के पता लग रहा है एल ओ एल ओ एल ओ, बस एक दो लेटर्स चाहिए होते हैं और आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन में किया क्या है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑपोजिट लेटर्स होते हैं, वो ऑपोजिट लेटर्स अगर आपको याद है प्रश्न देखते ही सोल्व हो गया। देखो बी का ऑपोजिट लेटर होता है वाई, आई का होता है आर, ओ का एल, एल का ओ का एल, जी का टी, वाई का बी। ऑपोजिट लेटर्स होते हैं ऐसे लेटर्स जिनका सम 27 हो, ऐसे लेटर्स जिनका योग करने पे 27 मिले। बताओ बी 2 पे आता है और वाई 25 पे, आई 9 पे, आर 18 पे, इनको जोड़ोगे 27 आएगा। ओ 15 पे आता है, एल 12 पे आता है, 27 होता है। ये डायरेक्ट याद करने की कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ए टू जेड, हम लोग बोलते हैं ए टू जेड, तो ए और जेड हो गया, बाय करते हैं किसी से, बाय बी वाई, बी वाई बाई हो गया। चॉकलेट खाते हैं क्रैक्स, क्रैक्स तो सी एक्स क्रैक्स, और ये ऐसा नहीं है कि इनको बैठ के रटना है कि सी एक्स सी एक्स सी एक्स बी वाई बी वाई, इस तरह से नहीं रटना है। इनको 2-3 बार आप बोलोगे और ये अपने आप याद हो जाएंगे। ए टू जेड तो ए और जेड हो गए, बी वाई बाय सी क्रैक्स, ड्यू क्रैक्स खाने के बाद ड्यू पियेंगे, माउंटेन ड्यू है ना, डी डब्ल्यू। इसी तरह से फिर होता है इवनिंग, कब पियेंगे, इवनिंग में, कब पियेंगे, ड्यू पियेंगे कब, इवनिंग में, ई और वी,
ठीक है, ई और वी इवनिंग, दो चार बार बोलोगे इवनिंग शब्द याद रहेगा, उसे याद रहेगा ई वी, लेकिन इवनिंग में तो प्रॉब्लम है थोड़ी सी, क्या फादर अंकल आ जाते हैं, जहाँ भी गए हुए होते हैं वहाँ से फादर अंकल आ जाते हैं, एफ यू, एफ और यू फादर अंकल आ जाते हैं एफ यू, ठीक है। तो फिर अपन एक काम करते हैं, जी टी रोड चलते हैं, जी टी रोड चलते हैं, वहाँ चल के पियेंगे, तो जी और टी, जी टी रोड, ठीक है, जी टी रोड, एच एस हनी सिंह, एच एस, तो ये एक दिन मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ, अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। एक कोड लगाया है, उस कोड में क्या किया है इन्होंने, देखो ऑपोजिट लेटर्स लिखे हैं सामने, अब यही हमको करना है फिजिक्स में, पी एच वाई, फिजिक्स में यही कोड हमको अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो पी का ऑपोजिट लेटर होता है, क्या होता है पी का ऑपोजिट लेटर, के, इसको आप याद कर सकते हो, तीन चार शब्द है, काला पानी, कटप्पा, कानपुर, पी के मूवी है, कुछ भी याद कर सकते हो, पी और के एक दूसरे के ऑपोजिट लेटर्स है। एच का ऑपोजिट लेटर है एस, एच का ऑपोजिट लेटर है एस, इसको याद कर सकते हो, हनी सिंह, हनी सिंह, ठीक है। और वाई का, अभी मैंने आपको बताया वाई का ऑपोजिट लेटर है बी, बी, अब इस तरह से ढूंढ लो कहाँ पे, के एस बी, इन दोनों ऑप्शन में है के एस बी, और आगे देखते हैं, फिर एस, एस का ऑपोजिट लेटर है एच, वो भी दोनों ऑप्शन में है, फिर आई, आई का ऑपोजिट लेटर है आर, तो आई का ऑपोजिट लेटर यहाँ पे आर है, और ये सेकंड ऑप्शन से ही हो गया, ठीक है। पी का ऑपोजिट लेटर के, तो के, के तीनों ऑप्शन में था, ये ऑप्शन पहले कैंसिल हो गया। एच का ऑपोजिट लेटर एस, एस यहाँ भी है, एस यहाँ भी, यहाँ भी है। वाई का ऑपोजिट लेटर बी, यहाँ पे बी नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, बी यहाँ पे है, यहाँ पे है। एस का ऑपोजिट लेटर एच, हनी सिंह, एच दोनों जगह है। फिर आई का ऑपोजिट लेटर होता है आर, इसको याद रखना है, इंडियन रेलवे, जिसके लिए बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, जॉब लगना चाहते हैं, आपकी भी ड्रीम जॉब है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, कि निम्नलिखित प्रश्नों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता। एक शब्द लिखा है इलस्ट्रियस, फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ थोड़ा सा बड़ा, इलस्ट्रियस, ठीक है, इस शब्द के अक्षरों का हमको प्रयोग करना है, इन लेटर्स का प्रयोग करना है, और कोई एक शब्द बनाने हमको, और ये चार ऑप्शन है हमारे पास, एल यू एस टी आर आई ओ टी, टी आर यू एस टी और आर यू एस टी, हमको बताना है कि इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द ऐसा है जो इस शब्द का अक्षरों को यूज करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। देखो बिल्कुल आसान प्रश्न है, क्या करते हैं इसमें, एक एक अक्षर उठाओ, एल यू एस टी, क्या एल यू एस टी यहाँ से ले सकते हो, ले सकते हैं, देखो एल यू एस टी बन गया। एक और ऑप्शन देखो, आर आई ओ टी, क्या आर आई ओ टी आपको यहाँ से मिल रहा है, आर आई ओ ओ टी मिल रहा है, तो ये शब्द भी बना सकते हैं। अब देखो टी आर यू एस टी, क्या इसको बना सकते हो, इसको नहीं बना सकते, क्योंकि हमको टी चाहिए दो बार, जबकि हमारे पास टी है एक बार। ऐसा नहीं करना है कि हाँ टी है तो सही, यहाँ भी रख दो, यहाँ भी रख दो, आपको जितने टी चाहिए उतने ही टी यहाँ पे होने चाहिए। जैसे कोई शब्द होता है उसमें दो बार एल चाहिए होता तो वो हमारे पास है यहाँ पे, वो बन जाता, लेकिन टी दो बार चाहिए पर हमारे पास यहाँ टी है एक ही बार, ठीक है, इसलिए ट्रस्ट शब्द नहीं बनेगा, और ये ऑप्शन हो गया आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो करते हैं 14वां प्रश्न, देखो क्या कहता है, एक्स और वाई भाई भाई हैं, दोनों भाई हैं और भाई होते हैं सेम जनरेशन में, तो एक्स और वाई आएंगे एक ही लाइन में और दोनों ही भाई है, इसका मतलब दोनों पुरुष हैं, कहना ये चाह रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है आर वाई का पिता है, आर वाई का पिता है, और ये बात अब आपको पता होगा कि वाई का पिता है तो एक्स का भी पिता है, ठीक है। और एस टी का भाई है, अब हमारे पास यहाँ भी ना एस है ना टी है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और एक्स का मामा है, कौन, एस, एस टी का तो भाई है और एक्स का मामा है, इस एक्स का मामा है एस, ठीक है। अब हमको टी देखना है, टी क्या है, और पूछा है कि टी का आर से क्या रिलेशन, अब एस टी का भाई है, यहाँ से ये तो पता चल रहा है कि एस पुरुष है, लेकिन यहाँ ये पता नहीं चल रहा कि टी क्या है, पुरुष है कि महिला है ना, एस टी का भाई है, अब भाई तो भाई का भी हो सकता है और बहन का भी हो सकता है भाई, है ना, तो इस प्रश्न पे आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या फिर ऐसा हो कि ज्ञात नहीं किया जा सकता तो वो भी आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर टी का रिलेशन पता नहीं है और पूछा है टी का क्या संबंध है, आर का नहीं पूछा है क्या संबंध है, या पूछा है टी का क्या संबंध है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखो डायरेक्शन का प्रश्न है,
रमा अपने घर से दक्षिण की ओर, रमा का घर है ये, रमा अपने घर से चली दक्षिण की ओर कितना 5 किलोमीटर, यहाँ से चली ये 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर। दिशाएं पता है दक्षिण उत्तर, ठीक है। दाएं मुड़कर 2 किमी चली, अब दाएं मुड़ेगी, अब बताओ दायां किधर होगा, अगर ये इस साइड जा रही है तो इधर फेस है इसका, तो ऐसे जाएगी दायां इधर आएगा। आपको क्या करना है, कॉपी में कॉपी को आप घुमा सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे घुमाओगे और जिधर दायां हो आपका उधर दायां बना दो, तो बिल्कुल सही बनेगा। दाएं जाएगी 2 किलोमीटर और दाएं मुड़कर, अब इधर जा रही है, इधर से इधर कोई जा रहा है तो उसका दायां फिर इधर आएगा, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, तो वापस इसी लाइन पे आ जाएगी 5 किलोमीटर और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। अब इधर कोई जा रहा है इस दिशा में तो बायां इधर पड़ेगा उसका, बायां, बाएं चली 5 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किमी जाना होगा, इसको वापस यहां से और अपने घर आना है, बताओ कितना किलोमीटर चलेगा। सब बता सकते हो, अगर ये 2 किलोमीटर है तो ये भी 2 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर और आगे है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 7 किलोमीटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखो, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बारिश होने के बावजूद फसल की स्थिति नाजुक बनी हुई है, ये हमको कथन दिया हुआ है कि बारिश हो गई उसके बावजूद भी फसल की स्थिति नाजुक बनी हुई है, ठीक है। निष्कर्ष देखो क्या कह रहा है, बारिश से पहले फसल की स्थिति नाजुक नहीं थी, और दूसरा निष्कर्ष बोल रहा है बारिश के बाद फसल की स्थिति में सुधार होने की संभावना थी। अब हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है, दोनों सही है, एक सही है, एक गलत है, या दोनों ही गलत है, ठीक है। देखो बारिश क्या बोल रहा है कथन में, बारिश और इस कथन के इर्द गिर्द ही सोचना है, इसके बाहर नहीं सोचना है। बारिश होने के बावजूद फसल की स्थिति नाजुक बनी हुई है, इसका मतलब ये तो है कि बारिश हो गई और बारिश के बाद फसल नाजुक है, लेकिन निष्कर्ष में क्या दिया है कि बारिश से पहले फसल की स्थिति नाजुक नहीं थी। अब बारिश होने से पहले के बारे में कुछ नहीं बोला है ना हमको, तो बारिश होने के पहले का निष्कर्ष हम नहीं बता सकते। निष्कर्ष जो होता है वो 100% सही होता है, बारिश के पहले की कोई स्थिति हमको बताई नहीं हुई है तो उससे पहले का निष्कर्ष भी हम बता नहीं सकते, तो पहला निष्कर्ष हो गया गलत। बारिश के बाद फसल की स्थिति में सुधार होने की संभावना थी, संभावना थी, बताओ संभावना थी क्या, ये जो बावजूद शब्द है ना इससे पता लग रहा है कि संभावना थी, यानी उम्मीद थी कि फसल की स्थिति ठीक हो जाएगी, बारिश होने के बावजूद फसल की स्थिति नाजुक बनी हुई है ना, तो बारिश के बाद फसल की स्थिति में सुधार होने की संभावना थी, तो दूसरा ऑप्शन, दूसरा निष्कर्ष सही हो गया, यानी हमारा बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, उदाहरण के लिए के को 4, 2 और 3, 4 या हम बोले 42 और 34 के द्वारा दर्शाया जाता है। देखो क्या प्रश्न होता है ये, जैसे के को दर्शाया है, के को बोला है कि 42 या 34, 42 या 34, अब हमको ढूंढना है 42 और 34। देखो चार का है, पहले इधर देखना है, चार और दो, अब इनको मिलाओ, 4 और 2 कहाँ पे है, ये के दर्शा दिया, के को 4 और 2 से, 3 और 4 से दर्शा रहा है, देखो 3 और 4 इनको मिलाओ, 3 और 4 ये के आ गया, ठीक है, यानी के को 42 से दर्शा सकते हैं, 34 से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जेड को 87 और 78, देखो जेड को, जेड कहाँ है, जेड नहीं ढूंढना हमको, ढूंढना 88 87 8 7, ये 8 है और इधर से 7 लो, जेड है यहाँ पे, ठीक है, 7 और 8, देखो ये 7 है ये 8 है, इनको मिलाओगे यहाँ पे जेड बनेगा, इधर 7 इधर 8, ठीक है। इसी तरीके से अब हमसे प्रश्न पूछा है कि बताओ रियल के लिए क्या लिखोगे, रियल के लिए देखो, रियल के लिए क्या लिखोगे, तो इसी तरह से हमको क्रम पहचानना है। देखो हम क्या करेंगे, अब इस प्रश्न को सोल्व करना है आपको ऑप्शन से, इस प्रश्न को सोल्व करना है ऑप्शन से। रियल को देखो, इसका मतलब है कि 21 तो होगा आर के लिए, 10 होगा ई के लिए, 85 होगा ए के लिए और 96 होगा एल के लिए, यही चेक करना है। अगर ये चारों सही है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, गलत है तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखो 21 को ढूंढो, 2, 1, 2, 1, 2, 1 पे तो एच है, हमको चाहिए आर, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया यहीं से। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं अपन, 8, 5, 8, 5 आर है, ठीक है, अच्छी बात है, ये सही है। 1, 0, 1, 0 पे होना चाहिए ई, देखते हैं, 1, 0, 1, 0 ई, ठीक है, ये भी ठीक है। 3, 1 पे होना चाहिए ए, 3, 1 पे ए होना चाहिए, ढूंढो 3, 1 यहाँ पे ए है, ये भी ठीक है। अब 0, 4, 0, 4 ढूंढो, 0, 4 यहाँ पे है एल, तो ये भी ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक है, आगे चेक नहीं करना है क्योंकि दो ऑप्शन सही नहीं हो सकते, ठीक है। बढ़े आगे, देखो एक प्रश्न है, कुछ ये सिलोजिज्म है, क्या कह रहा है, देखो कुछ ईंटें छड़ी है,
तो कुछ ईंटें बनाते हैं हम, कुछ ईंटें, और ये ईंटें क्या है, छड़ी, कुछ ईंटें छड़ी है, और कुछ का डायग्राम इसी तरह से बनाते हैं, सभी का डायग्राम ये होता है, कुछ का डायग्राम ये होता है, ठीक है। और फिर बोला है कि कोई भी छड़ी लाल नहीं है, कोई भी छड़ी लाल नहीं है, तो लाल का हमको छड़ी और लाल को अलग रखना है, तो हो सकता है लाल यहाँ पे हो, या हो इनमें इनमें कुछ भी रिलेशन नहीं होगा, कोई भी छड़ी लाल नहीं है, जो नहीं हो उसके एक ये लगा के क्रॉस लगा दो, लॉक लगा दो कि ना इधर से कोई उधर जाएगा ना इधर से कोई उधर आएगा, ठीक है। लेकिन लाल ईंट होने से मना नहीं किया है, ईंट लाल हो सकती है, कोई भी छड़ी लाल नहीं है, इसलिए ये लाल इस तरह से भी हो सकता है, ये लाल इस तरीके से भी हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि मना सिर्फ छड़ी के लिए किया है कि छड़ी लाल नहीं है, है ना। तो यहां पे एक लाल के लिए एक सर्कल बना दो और छड़ी से क्रॉस करवा दो कि ना इधर से कोई उधर जाएगा ना उधर से कोई इधर आएगा। अब देखो निष्कर्ष क्या बोला है, कोई भी ईंट लाल नहीं है, कोई भी ईंट, ये ईंट है और ये लाल है, नहीं है, कुछ ईंट लाल नहीं है, देखो कुछ ईंट लाल नहीं है, नहीं कुछ ईंटें लाल है। सिलोजिज्म में क्या करना है, आप इसकी बात को काटो, अगर आपने काट दी तो वो आंसर लगा सकते हो फिर, ठीक है। ये क्या बोला, कोई भी ईंट लाल नहीं है, तो यहां पे जब हमने बनाया है तब तो ठीक है, कोई भी ईंट लाल नहीं है, और फिर बोला है कुछ ईंट लाल नहीं है, जब हमने लाल को यहां बनाया तो नहीं कुछ ईंटें लाल दिख रही है मुझे, इसका मतलब या तो यही सही होगा या फिर यही सही होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, या तो एक सही या दो सही, इसको ढूंढ लो जहां पे हो, आंसर लगा दो। थोड़ा सा ऑप्शन हम ठीक कर लेते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं, हम लिख देते हैं या तो एक और या दो, या तो एक या दो, ठीक है। जब यहां बनाओगे तो ये सही हो जाएगा, यहां बनाओगे तो ये सही हो जाएगा, तो या तो एक या दो सही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और हाँ देखो, राजनीतिज्ञ, कवि और महिला, इनके लिए कौन सा वेन डायग्राम बनेगा ये हमको बताना है, ठीक है। देखो राजनीतिज्ञ, कवि, कोई राजनीतिज्ञ कवि भी हो सकता है, कोई राजनीतिज्ञ महिला भी हो सकती है, कोई महिला राजनीतिज्ञ भी हो सकती है, ठीक है, और कवि, कोई कवि महिला भी हो सकता है और कोई महिला कवि भी हो सकती है, यानी सभी में कैसा रिलेशन आएगा, सम का, ऑल का रिलेशन नहीं आएगा, ऑल रिलेशन वाले सब गलत हो जाएंगे कि राजनीतिज्ञ सभी राजनीतिज्ञ कवि हो या सभी कवि महिलाएं हो या सभी महिलाएं कवि, इस तरह से जरूरी नहीं, हमेशा सम का रिलेशन बनेगा सभी जगह, तो सभी जगह सम का रिलेशन, तीन सम के रिलेशन चाहिए, वो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है। सम का डायग्राम इस तरह से बनता है, ऑल का डायग्राम इस तरह से बनता है, तो हमको चाहिए तीन सम के डायग्राम, तीन सम के रिलेशन, तो ये एक, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे तीन सम के रिलेशन हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो एक गणितीय संक्रिया है, इसमें क्या बोला है कि गुणा का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ है गुणा, ठीक है। इन जो भी साइंस है इन सबको हमको रिप्लेस करना है इस इक्वेशन में यहाँ पे, चलो रिप्लेस करके देखते हैं क्या है। 78 माइनस को लिखना है गुणा, माइनस को लिखना है गुणा, फिर 13, फिर प्लस है, प्लस को लिखना है भाग, प्लस को लिखना है भाग, तो कितना है आगे 6, फिर गुणा है, ये गुणा है, गुणा को लिखना है क्या प्लस, गुणा को लिखना है प्लस 7, और भाग को लिखना है हमको माइनस, भाग को लिखना है माइनस, लिखेंगे यहाँ 23, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, बस ये बोर्ड मास नियम लगाओ, सबसे पहले भाग देंगे हम, इसका मतलब यहाँ पे मैं ये भाग 6 लिखा है, इसको मैं इस तरह से लिख दूँ भाग 6, ठीक है। अब कैंसिल आउट कर लो इसको, ये कैंसिल हो जाएगा 13 बार, और 13 इंटू 13 होता है 169 प्लस 7 माइनस 23, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, 169 7 176, 176 में से हम 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा 153, ठीक है, ये आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, जो चिन्ह रिप्लेस करने को बोला उसे रिप्लेस कर दो और बोर्ड मास नियम लगाओ, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, इमेज, इमेज बनानी है हमको, देखो एम एन दिया है यहाँ पे, इसकी इमेज बतानी है हमको, ठीक है। चलो करते हैं हम लोग, देखो ये एक तरह से वाटर इमेज जैसा है, यहाँ बनाते हैं वाटर इमेज नीचे, तो ये ऊपर भी इसी तरह से बनेगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। देखो क्या ऑप्शन आंसर हो सकता है इसमें, देखते हैं हम,
देखो जब ये इस तरह से है, ये मिरर है यहाँ पे और ये इस तरह से बना हुआ है, इसके ऊपर लेके जाना है हमको, ठीक है। इसके ऊपर लेके जाना है, जब ऊपर लेके जाओगे इसके ऊपर इमेज बनाओगे तो किस तरह से बनेगा ये, पी इस तरह से हो जाएगा। ऐसा ढूंढो किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, सिर्फ डी ऑप्शन में है। तो ये आंसर हो गया बस ऑप्शन एलिमिनेशन से, ठीक है। और एस को देख सकते हो आप, एस ऊपर जाएगा, तब एस यहां बनेगा, ऊपर जाएगा और ये एस इस तरह से हो जाएगा, इसी में है सिर्फ। तो डी ऑप्शन, ऑप्शन एलिमिनेशन से डी आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे, और इमेज का प्रश्न ऑप्शन एलिमिनेशन से ही करना है, बनाना नहीं है वहाँ पे इमेज एग्जाम में। अच्छा, पेपर फोल्डिंग, देखो पहले इस तरह से पेपर था, फिर इसको इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया और फिर उसके बाद यूं फोल्ड कर दिया। पेपर फोल्डिंग प्रश्न इमेज से ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर इमेज आपको आती है तो पेपर फोल्डिंग भी आता है। देखो जब ये इसको जिस तरह से फोल्ड किया था उसी तरह से वापस खोल दो। अब इसको पहले अपन इधर खोलेंगे, जब इधर खोलेंगे तो इस ये वाली लाइन होगी, ये मिरर का काम करेगी, और जब ये मिरर का काम करेगी तो एक ये सर्किल है वैसा सर्किल यहाँ बन जाएगा, एक ऊपर सर्किल है वैसा यहाँ बन जाएगा, और इस तरह से सर्किल है यहाँ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ बनाता हूँ मैं अलग से, देखो इस तरीके से था और तीन सर्किल्स थे यहाँ पे इस तरह से। तो जब हम इसको इस तरह से खोलेंगे यहाँ पे तो ये जो लाइन है ये काम करेगी इमेज मिरर का, ठीक है। तो यहाँ पे एक इमेज बनेगी इस तरह से इस सर्किल की, इस सर्किल की इमेज यहाँ बनेगी और इस सर्किल की इमेज यहाँ बनेगी। अब हमने इसको यूं फोल्ड किया था तो ऐसे ही वापस खोलेंगे, जब इधर खोलेंगे अपन इसको तो ये जो लाइन है ये काम करेगी मिरर का, ठीक है। अब इस तरह से खोलेंगे इसको, हम यहाँ खोलेंगे तो क्या होगा, इस भी पूरा ऐसे की ऐसे इधर इमेज बन जाएगी, इस सर्किल की इमेज बनेगी, इस सर्किल की इमेज बनेगी यहाँ पे, फिर इसकी इमेज बनेगी यहाँ, इसकी यहाँ पे, इसकी यहाँ पे, और ये दोनों है इनकी इमेज बनेगी यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सही, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या करना है इसमें, जिस तरह से फोल्ड किया है उसी तरह से वापस खोलो और इमेज बनाओ। ऐसे खोलोगे तो इसकी इमेज इधर बनेगी, फिर अपन इसको ऐसे खोलेंगे तो ये वाली इमेज वापस यहाँ बन जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न आकृति, इस प्रश्न आकृति को देखना है कि ये किस आकृति में छुपी हुई है, ये आकृति किस ऑप्शन में है, ठीक है। तो इसको देखना है, देखो ये इस तरह से है, यहाँ से आ रही है एक लाइन, फिर यहाँ पे ऐसे मुड़ी और इधर गई, इस तरह से हमको ढूंढना है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में ऐसी कोई लाइन है ही नहीं, सेकेंड ऑप्शन में ऐसी लाइन है, यहाँ पे है ऐसी लाइन, ये रही ऐसी लाइन, फिर ये नीचे की ओर आई इस तरह से और यहाँ इस तरह से गई, तो ये ऑप्शन हो गया आंसर, इसमें मिल गई ये लाइन। देखो थर्ड ऑप्शन में इस तरह से लाइन नहीं है जो बीच में आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे ऐसी कोई लाइन नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे ऐसी लाइन, वैसे एक बार आंसर मिल गया तो आगे चेक नहीं करना है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए हम लोग देख रहे हैं। देखो एक लाइन ऐसे आई, फिर इस तरह से आई, लेकिन अब यहाँ पे लाइन नहीं गई कोई, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन बी। चलो 24वां प्रश्न देखते हैं, नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, ठीक है। ये डाइस का प्रश्न है, इसमें क्या करना है, देखो इस तरह की जो आकृति होती है उसमें क्या होता है कि एक 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 गैप छोड़ना है, यानी एक के विपरीत कौन होगा, जी। तो हमको सिर्फ एक के विपरीत बताना था, तो एक के विपरीत हो गया जी। जब हम इसको बंद करेंगे ना इस डाइस को, तब क्या बनेगा, एक के विपरीत आएगा जी। हम और भी बता सकते हैं, देखो सी के विपरीत आएगा एन, एक सीधी लाइन में ढूंढो पहले, एक गैप छोड़ दो और बी के विपरीत आ जाएगा जो बच गया वो एफ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक सरकारी बैठक में 130 विभागीय कर्मचारियों ने भाग लिया, कुल कितने कर्मचारी हैं, 130, उनमें से 66 चाय पीते हैं, 56 कॉफ़ी पीते हैं और 63 जूस पीते हैं। तो हमको चार सर्कल्स बनाने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए, ठीक है। तो 66 चाय पीते हैं, हम ये बना देते हैं चाय का, ये बना देते हैं कॉफ़ी और ये बना देते हैं हम जूस, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि 66 चाय पीते हैं, ये 66 चाय पीते हैं, 56 कॉफ़ी पीते हैं और 63 लोग जूस पीते हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी है। अब आगे बोला है कि 27 लोग चाय या
चाय या कॉफ़ी, 27 लोग चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं, 25 लोग कॉफ़ी या जूस पी सकते हैं, 23 लोग जूस या चाय पी सकते हैं और 5 कर्मचारी तीनों में से कुछ भी पी सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें फिल करना है अब हमको, तो सबसे पहले फिल वहाँ करना है जहाँ पे सभी चीज़ें इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये वाला जो पार्ट है ये सबसे पहले फिल करना है हमको। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें इंटरसेक्ट कर रही है एक जगह पे, तो यहाँ पे कौन आएगा, 5, ये आ गया 5। ये ऐसे लोग हैं जो चाय कॉफ़ी जूस तीनों पी सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब हमको बनना है, दो दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो, तो यहाँ पे ये पार्ट है इसमें ये दो लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला, इसको भरने से पहले अच्छे से देखो, ये पूरा पार्ट दो लोग इंटरसेक्ट कर रहे थे लेकिन उसमें से ये पार्ट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। ये 27 लोग चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं, देखो मैं एक बार अलग से इधर बताता हूँ, चाय कॉफ़ी, तो ये 27 आएंगे इस पूरे में, 27 आएंगे इस पूरे में, लेकिन जब यहाँ 27 लिखोगे तो उससे पहले ये देखना है कि 5 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, इसलिए फिर यहाँ पे क्या लिखना है हमको, सिर्फ 22, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ देखो, 25 लोग कॉफ़ी या जूस पी सकते हैं, 25 लोग ये कॉफ़ी और जूस, कॉफ़ी और जूस का ये वाला पार्ट आएगा पूरा, कॉफ़ी और जूस 25 लोग, लेकिन जब यहाँ 25 डालोगे तो आप ये देखोगे कि 5 तो ऑलरेडी आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, 20, ठीक है। और 23 लोग जूस या चाय, अब जूस या चाय का कॉमन पार्ट कहाँ है, जूस या चाय का कॉमन पार्ट है ये वाला पूरा, लेकिन यहाँ भी वही बात है, 5 तो ऑलरेडी लोग हैं यहाँ पे, तो 23 करने के लिए यहाँ कितना लिखना है, 18, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, कितने लोग केवल चाय पीते हैं, और ये वाला जो सर्किल है ये चाय का है और कुल लोग चाय पीने वाले हैं 66, तो देखो ये कितने लोग हो गए, 22 और 18 40, 40 और 5 45 लोग पूरे ये हो गए, और पूरा जो चाय का इस ये सर्किल है इसमें लोग कितने हैं, 66, इसका मतलब यहाँ कितने लोग बच गए, 21 लोग, ठीक है। इसी तरह से हम ये भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा है चाय कितने लोग पीते हैं, चाय का सर्किल पूरा 66 करना है, तो 22 और 18 40 और 5 45, 66 करने के लिए 21 लोग यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट है, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, एग्ज़ाम में आपको इन्हीं में से मतलब इसी तरीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और उम्मीद है पसंद आया होगा, तो आप इसको बार बार पढ़ो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।